किठौर विधानसभा के ग्राम कायस्थ बड्ढा में जनरल शाहनवाज खान की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन का चर्चित चेहरा पूनम पंडित ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनरल शाहनवाज खान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अब लड़ाई बीजेपी और बेटियों के बीच होगी। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म से हूँ और मेरा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी धर्म का अपमान करूँ, ना ही यह बात किसी वेद या पुराण में लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म भारत का सनातन धर्म है, भारतीय जनता पार्टी का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं प्रचार करने निकली हूँ। कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। देखिए, आपको भी पता है मैं किसान नेता हूँ, ये प्यार है उनका, मैं तो एक बेटी हूँ उनकी, बच्ची हूँ, ठीक है, वो मानते हैं मुझे किसान नेता, लेकिन मेरा काम है किसानों की और मजदूरों की आवाज़ उठाना। तो चाहे मैं कांग्रेस में भी हूँ, आपको पता होगा मैं कांग्रेस से मीडिया पैनलिस्ट उत्तर प्रदेश में, तो मैं कांग्रेस से भी हूँ बेशक, लेकिन मैं किसानों की आवाज़ उठाऊंगी। मेरा वजूद किसानों से था। चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो भी किसान नेता थे, वो प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, छोटू राम जी भी, देवीलाल जी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनकी आवाज़ उठानी बंद कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इनकी आवाज़ उठाती हूँ। मुद्दे यही है, बेरोजगार युवा है, लड़कियों को सम्मान, रोजगार चाहिए लड़कों को, और किसानों को सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए उनका, मुद्दे यही होंगे और यही होने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था 403 विधानसभाओं पे रुख करने के लिए आ रही हूँ और शेरनियों को चुनाव लड़वाने के लिए आ रही हूँ। एक ये है और एक ये है, इनको चुनाव लड़वाएंगे। बाकी जिसका टिकट होता है किसी भी बेटी का इस क्षेत्र में, ये हमारी जो किठौर विधानसभा से है, ये हस्तापुर विधानसभा से, अभी इन्हीं का आ रहा है सुनने में, जैसा इन्होंने मुझे बताया। बाकी अगर अदर का भी होता है तो भी मैं बेटियों को सपोर्ट करूंगी और मैं यूथ को भी सपोर्ट करूंगी और मैं बुजुर्ग जो हमारे किसान होंगे मैं उनको भी सपोर्ट करूंगी। विकास के मुद्दे पे क्या जी नहीं, देखिए मुद्दे वो होंगे कि बेरोजगार है लड़के, मुद्दे वो होंगे हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, मुद्दे वो होंगे जो बहुत ज्यादा देश में समस्याएं हैं, मुद्दे वो होंगे किसानों का सम्मान, स्वाभिमान, मुद्दे ये होंगे भाई जी। अगर आपको कहीं से प्रत्याशी घोषित कर दिया कांग्रेस को, चुनाव लड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना भैया, कांग्रेस जो है ऐसा नहीं करेगी मेरे साथ में, मुझे अच्छे से पता है। मैंने उनसे अपील की है कि मेरी जो बहनें चुनाव लड़ेंगी, मैं एक सीट पर प्रभाव डालूंगी सिर्फ। मान लीजिए मुझे घोषित करते हैं तो मैं एक सीट पर प्रभाव डालूंगी, भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा और ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं मैं और ज्यादा सीटों पर जाकर के बेटियों को सपोर्ट करूँ, वो तो चाहते ही नहीं है, तो मेरी, मैं ऐसा नहीं कांग्रेस करेगी।